अगर ये भाजपा को दुखी करता है तो ये तेजस्वी को भी दुखी कर चुका है जी, क्योंकि जो पिछड़े समाज के लोग हैं वो बार बार यही सवाल पूछते हैं कि आप हमेशा भूमिहारे को, यादवे को, आप ब्राह्मणे को दे दीजिएगा तो हमारा क्या होगा। दोनों केस में तेजस्वी यादव के घर में ही भेदी लंका ढाए वाला हाल हुआ है। तो पलटुअन हमें नहीं बनना है, हमें पलटू नहीं बनना है, हमें पटेल बनना है। तेजस्वी यादव के इस सीट पर हारना और मोकामा सीट पर भी वोट बैंक नहीं बढ़ा पाना, वो है नीतीश कुमार। लेकिन दोनों जगह पर दोनों कर रहा है, दोनों की हार हुई, दोनों की हार, दोनों जगह भाजपा हारी, दोनों जगह तेजस्वी भी हार, तेजस्वी भी हार, कि भाजपा ने प्रत्याशी बड़ा कमजोर उतार दिया। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। बिहार में लगातार जो राजनीतिक घटनाएं होती है उसकी चीरफाड़ की जाती है, तह तक पहुंचा जाता है। क्या कहानी है, क्यों ऐसी घटनाएं हो रही हैं और आने वाले दिनों में इसका असर क्या पड़ेगा, तमाम चीजों पर बातचीत डॉक्टर साहब के साथ करते हैं। लेकिन अभी जो चुनाव के परिणाम आए हैं वो सभी लोगों ने देखा, सभी लोग जान भी चुके होंगे किसको कितना वोट आया। तो वोटों का समीकरण और कितना वोट आया, इन सभी से अलग डॉक्टर साहब उस वोट बैंक की चीरफाड़ करेंगे, मोकामा की जनता का चीरफाड़ यानी उन्होंने जो वोट दिया, और गोपालगंज की जनता का चीरफाड़। चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। डॉक्टर साहब, हमें लगता है कि पहले आप मोकामा की तरफ बढ़ेंगे। बिल्कुल, क्या मोकामा का समीकरण रहा? अब कई रोज से हम लोग समीकरण बता रहे हैं, लेकिन अब कारणों पर चर्चा की जाए तो आपका कहना है कि पांच कारण से तेजस्वी हार गए और पांच कारण से भाजपा भी हार गई जी, दोनों एक एक जगह हारे। बिल्कुल, देखिए एक एक जगह हारने से नहीं होगा। गोपालगंज में भाजपा भले जीत गई हो लेकिन भाजपा हारी है, हारी बहुत कुछ है। और मोकामा जीत के तेजस्वी यादव खुश हो ले क्षणिक तौर पर, लेकिन अंदर से उनको एहसास है कि गोपालगंज नहीं हारना चाहिए था, जीतना चाहिए। मैं भी विश्लेषण में लगातार आपको बोल रहा था कि ठीक है मामा है वहाँ, ठीक है ओवैसी है वहाँ, लेकिन ओवैसी के विधायक जीत कर कहाँ जाते हैं अंततः? तो फिर जनता को तो ये मैसेज मिला हुआ था ना, फिर वोट उधर क्यों जाने, फिर वोट क्यों गया उधर? अभी भी नाराजगी कहाँ है, मुसलमान क्यों भाग रहे हैं आपसे? दूसरा, मामा उतना वोट लेके नहीं आए जितना से आपकी हार हो जाए, तो मतलब स्पष्ट है मामा पिछली बार लड़े थे तो 40,000-45,000 वोट लेके आए थे, उससे पहले और ज्यादा लेके आए थे। तो मामा का वोट जो है या मामी का वोट जो है वो घटा है, तो फिर भी आप हार गए, मतलब या तो आपके गठबंधन के दल आपके साथ नहीं दे रहे हैं या आपका वोट बैंक में कोई सेंधमारी करके बैठा हुआ है, ये तय करना पड़ेगा ना। मतलब आप तेजस्वी यादव को ये आगाह कर रहे हैं कि निश्चित तौर पर पंचनामा एक पाथ फाइंडर होता है, एक रास्ता दिखाता है। अब मैं नहीं जबरदस्ती किसी को ढकेल नहीं जा सकता उस पर ना, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ नीतीश कुमार एक लाइबिलिटी है, एक बोझ है, एक आप लेकर तो एसेट के तौर पर आते हैं, लेकिन जिस तरीके की राजनीति है नीतीश कुमार की और जो कुछ अब तक उन्होंने अचीव किया है बिहार की राजनीति में, वो सब कुछ तो उन्होंने धूमिल कर दिया है, समाप्त कर दिया है। क्यों? क्योंकि बार बार लोकतंत्र के साथ ही अन्याय कर देते हैं। जनता मैंडेट देती है, पाँच साल इसके साथ रहो तो उसके साथ चले जाएंगे, उसके साथ रहो तो उसके साथ चले जाएंगे। और ये केवल एक तरफा नहीं है जी, अगर ये भाजपा को दुखी करता है तो ये तेजस्वी को भी दुखी कर चुका है जी। और अंततः भाजपा तेजस्वी से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है जनता से, जनता दुखी होती है अंततः जी, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जो सत्ता में रहेंगे उनको भुगतना पड़ेगा। आज दोनों सीट पर तेजस्वी यादव जीतते हैं तो मुझे ज्यादा खुशी होती। मैं स्पष्ट बोल दूं, मैंने पहले भी कहा कि मैं थोड़ा सा जब विश्लेषण करता हूं तो युवाओं के प्रति थोड़ा बायस्ड हो जाता हूं जी। मुझे उम्मीद थी कि इस बार तेजस्वी यादव को ताकत उनकी बढ़ेगी, ये दो सीट जीत जाते हैं, वो कुड़नी वाली सीट जीत जाते हैं तो वापस उनकी ताकत इतनी बड़ी हो जाती है कि बिना नीतीश कुमार के वो बिहार में मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो नहीं, नीतीश को छोड़ते फिर भी उन पर नैतिक दबाव नीतीश पे बनता जी कि नीतीश कुमार ये कुर्सी जो है वो तेजस्वी को हस्तांतरित कर दे, जैसा कि पहले से पूर्व नियोजित है चर्चा भी। लेकिन नीतीश पर भरोसा नहीं होता है, नीतीश अपने किसी वादे पर खरा उतरने की जो चेष्टा है वो नहीं करते हैं जी, या उसके उल्टा ही करने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में डर तो है मन में, और उस डर को जमीन पर उतारने के लिए कहीं ना कहीं इन इन, इन हथकंडों का इस्तेमाल किया जा रहा है जी। भाजपा ने चिराग पासवान को अंतिम समय में लाया, मुकेश सहनी उनके पास गए। सच पूछिए तो इस दोनों जगह पर अगर कोई जीता है वास्तविक तौर पर तो एक तरफ चिराग पासवान जीते हैं, दूसरी तरफ मुकेश सहनी जीते हैं। मुकेश सहनी ने भी ईमानदारी से जिस गठबंधन की तरफ उनकी ईमानदारी थी, जो उन्होंने चुनाव से पहले बताया, उसकी तरफ ईमानदारी से काम किया। क्या कांग्रेस ये बात कह सकती है?
क्या लेफ्ट की पार्टियां ये बात कह सकती हैं? क्या नीतीश कुमार ये बात कह सकते हैं? लेफ्ट की पार्टियां तो इस चुनाव में कहीं दिखी ही नहीं थी। मांझी जी ये बात कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। चिराग कह सकते हैं, पशुपति पारस के रहते हुए भाजपा ने चिराग पासवान को उतारा और मोकामा में मानिए ना मानिए असर पड़ा चिराग के जाने का, मैं सब साबित करूंगा कागज पर। आपको आपको ये बताया जाएगा कि आखिर क्यों दोनों जगहों पर मैं कह रहा हूं कि तेजस्वी को घाटा हुआ, तेजस्वी की हार हुई एक जगह तो एक जगह भाजपा की हार हुई, लेकिन दोनों जगह पर दोनों कर रहा है, दोनों की हार हुई, दोनों की हार, दोनों जगह भाजपा हारी, दोनों जगह तेजस्वी भी हार। हारने का हारने के पीछे कारण है नीतीश कुमार बीच में दोनों के समीकरण को बिगाड़ रहे हैं। अपना जिसका वोट बैंक नहीं, आज एक क्या बोला है आरसीपी सिंह ने, सारे बिहार के पटेल समाज के लोगों को, देश भर के पटेल समाज के लोगों को उन्होंने कहा है कि ये सरदार पटेल बनने की चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन ये है पलटू, तो पलटूवन हमें नहीं बनना है, हमें पलटू नहीं बनना है, हमें पटेल बनना है। तो वैसी स्थिति में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ रहे हुए व्यक्ति इनको और कमजोर कर रहे हैं। हॉर्सेस फॉर कोर्सेस के माध्यम से आप बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं, राजनीति में बैकलॉग लग जाता है। बैकलॉग कैसे लग जाता है? आपसे विवाद में करके उनसे दोस्ती कर लूंगा, उनसे दोस्त विवाद करके उनसे दोस्ती कर लूंगा, तो ये सारा बैकलॉग कल हमको झेलना पड़ेगा जी। उपेंद्र कुशवाहा की घर वापसी हुई तो उपेंद्र कुशवाहा भी दुश्मन थे, तेजस्वी की घर वापसी करा दी, तेजस्वी तो दुश्मन होते हैं। धीरे धीरे आप देखिए मुकेश सहनी के ऊपर जो भाजपा ने किया, तो नीतीश ने कब कहा कि भाजपा गलत कर रही है? जी बोलना चाहिए था। नीतीश कुमार के सिग्नेचर से मुकेश सहनी को हटाया गया था जी। भूलने वाले भूल जाए, हमें याद रहता है ये सारी बातें। चलिए इन सब चीजों को भी भूलते हैं, बोझा चुनाव में भाजपा के साथ जो किया हो तो याद होगा आपको जी। ये सारी बातें अपनी जगह। अब आते हैं गोपालगंज और मोकामा की तरफ। तो देखिये मोकामा में जो पांच बिंदु जिसकी वजह से भाजपा हारी है वो जान लीजिए आप। देखिए सबसे पहला तो भाजपा से सबसे बड़ी गलती ये हुई कि भाजपा ने प्रत्याशी बड़ा कमजोर उतार दिया। मैं आपको खुल के शुरू दिन पहले दिन से कह रहा हूं कि जमानत जब्त ना हो जाए कहीं, धन्यवाद दीजिए चिराग पासवान का जो अंतिम समय में आके जमानत बचा दिया, और कैसे बचाया ये भी मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले तो प्रत्याशी चयन में गलती हुई जिसकी वजह से ये चुनाव भाजपा वहां हारी है। दूसरा कहीं ना कहीं भाजपा से एक बड़ी गलती हुई कि भाजपा ने चिराग पासवान को बहुत अंतिम समय में वहां लाया, और पहले उतारना चाहिए, पहले लाते भाजपा अगर लेके आती तो चिराग पासवान इससे बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे, वहां एक बड़ा वोट बैंक था जिस वोट बैंक को सुधारा जा सकता था, अपने पाले में किया जा सकता था। तीसरा भाजपा ने वहां से अपने कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया जी। भाजपा का वहां कैडर था, हमने कहा था कि भाजपा कैडर नहीं है, भाजपा कभी चुनाव नहीं लड़ी है, हम गलत थे। भाजपा का वहां वोट है, भाजपा का कैडर है, ये साबित हो गया चुनाव के रिजल्ट से, मैं वो अंतिम बताऊंगा कैसे आखिर हुआ। इसके अलावा भाजपा से ये गलतियां हुई कि लोकल लीडर्स को जो मोबिलाइज किया गया तो भूमिहार जाति के नेताओं को उस जगह पर कैंपिंग नहीं कराई गई। बहुत सारे भूमिहार नेता थे जिनको पटना में वहां होना चाहिए था, मोकामा में गिरिराज सिंह जैसे लोगों को वहां धूप में अपना चेहरा जलाना चाहिए था, लेकिन नहीं पहुंचे। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका नुकसान भाजपा को, भाजपा को रिएक्शन भी दिया नित्यानंद राय जैसे नेता को उतार कर, रिएक्शन ज्यादा, रिएक्शन तो भाजपा को होना ही था। भाजपा गुटबाजी, वही पांचवा मेरा पॉइंट वही है कि कहीं ना कहीं भाजपा इंटरनल गुटबाजी में रही और वहां के लोकल लीडर को टिकट नहीं देने की वजह से भाजपा का जो लोकल कैडर है वो भी नहीं, सेंटिमेंट नहीं, नाराजगी अपनी जगह पर है। भाजपा का कैडर जाता है मोदी के कहने पर, लेकिन वो कनेक्ट नहीं कर पाया। जिस जिस अग्रेशन से वहां उतरे थे अनंत सिंह के समर्थक, उस अग्रेशन को आप देख पा रहे थे क्या दूसरी तरफ? नहीं। अनंत सिंह के लोग वहां लड़ने मरने के लिए तैयार हैं जी, और वहां दूसरी तरफ आप देख रहे हैं तो चार लोगों के साथ पूरे चुनाव में घूम रहे हैं। अरे ललन सिंह के चेहरे पर हंसी तब आई जब चिराग पासवान साथ खड़े हुए हैं जी, अरे सूरज भान के साथ घूम रहे थे इतना दिन से, उनके चेहरे पर हंसी नहीं आ रही थी, जब देखे ललन सिंह की चिराग बगल में खड़े हैं तब उनके चेहरे पर जो खोई हंसी थी वापस आई। तो यहाँ एक बड़ी हार भाजपा की हुई है। निश्चित तौर पर अनंत सिंह बड़े फैक्टर हैं और इस जगह पर चिराग पासवान बड़े फैक्टर रहे, लेकिन तेजस्वी की भी हार यहाँ हुई है जी। अब उसको समीकरण में समझने की कोशिश करते हैं, इसके बाद हम गोपालगंज की तरफ बढ़ेंगे। देखिए नीलम देवी को 80,000 के आसपास वोट आया है जी, सोनम देवी को 62,000 वोट आया है। इससे पहले नीलम देवी के जगह पर 2020 में अनंत सिंह चुनाव लड़े थे तो 78,000 के आसपास या 69,000 वोट आया जी, था जी। 1,000 मात्र वोट इनका बढ़ा है इतने 5 साल बाद। ये जेल में है, इनके साथ सिंपैथी है कि इनके साथ जिस तरीके से भगदड़ मचा, यहाँ से दिल्ली भागे, कहाँ भागे, खोजो आरसीपी सिंह के बेटी जो एलपी सिंह है वो खोजते चली गई, फिर लगा कि पूरा का पूरा ड्रामा ललन सिंह करवा रहे हैं ऑर्केस्ट कि कैसे हूँ आनंद सिंह के छवि को समाप्त कर दिया जाए, इस राजनीति से हटा दिया जाए। लेकिन अंततः नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा भारी पड़ी और ललन सिंह को
वापस इस गठबंधन में तेजस्वी के साथ एडजस्ट करना पड़ा। इस सीट पर अंत समय तक लगा कि शायद अनंत सिंह को टिकट ना मिले, अनंत सिंह को लेकर लगा कि दूसरे पार्टियों से टिकट मिल सकता है, यहाँ तक कि भाजपा और चिराग पासवान की पार्टी से भी खबर थी उनको टिकट मिल सकता है। बयानों की वजह से आप समझ सकते हैं कि अनंत सिंह के पक्ष में थे। सुशील मोदी ने आज कहा कि ये अनंत सिंह का है, बिल्कुल वोट भाजपा निश्चित तौर पर ये साबित करने की कोशिश करेगी, साबित क्या करेगी, है अनंत सिंह जीते, कल वहां रसगुल्ला बन रहा है 5 टन महाराज, यहाँ आज फैसला आना था, मतलब वो निश्चिंत थे उनके समर्थक। हमें फोन करके लोग बोलते थे कि ठीक है आप विश्लेषण कर रहे हैं, चिराग पासवान आ रहे हैं, ये वो पल्ला चिल्ला, कोच फैक्टर नहीं काम करेगा। फर्स्ट डे से लोग हमें यही बोल रहे हैं, क्या मोदी समर्थक ने कहा, क्या चिराग समर्थक ने कहा, एक लड़के ने रिजल्ट दे दिया पहले ही दिन, हमने क्या कहा था, मैंने आपके सामने ही फेसबुक पे लिखा था कि एक मुट्ठी एक बोरा चावल में एक मुट्ठी हाथ डाल में पता चल गया कि क्या कौन जीतना है यहाँ पे, और उस लड़के ने कहा कि चिराग पासवान का फैन हूँ, मोदी का फैन हूँ, लेकिन वोट अनंत सिंह को दूंगा, इस सीट को छोड़कर बाकी बिहार की किसी सीट पर तैयारी है, लेकिन यहाँ नहीं। तो ये बड़ा फैक्टर है ना, और जो वोटों का समीकरण समझिए, सोनम देवी का, सोनम देवी पिछली बार चुनाव लड़ी थी तो 41,000 वोट आया था, यानी इनके वोट बैंक में 20,000-21,000 का इजाफा हुआ है। पिछली बार लोजपा लड़ी थी तो 14,000 वोट लेके आई थी, जनसंख्या भी तो पिछली बार से बढ़ा होगा 5 साल जो भी हो, मतलब देखिए यहाँ दलितों का बड़ा वोट बैंक है जी। दलितों का बड़ा वोट बैंक है और वो बढ़ता है, लेकिन चिराग के आने की वजह से ये वोट बैंक 14,000 से कहीं ज्यादा बढ़कर सोनम देवी की तरफ डिलीवर हो गया, डिलीवर हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर अनंत सिंह का कोर वोट जितना था उतना ही रह गया, तो नीतीश तेजस्वी इन सभी के मिलने का फायदा क्या हुआ, ललन सिंह के कैंपिंग करने का फायदा क्या हुआ, कहाँ गया वोट, कहाँ गया वोट। और सुनिए, जो जदयू का प्रत्याशी पिछली बार वहां चुनाव लड़ा था वो 40,000 के आसपास वोट लेकर आया था, तो 40,000 जो वोट है ये तो ट्रांसफर होना चाहिए था इधर जी, ये होना चाहिए था तरफ, तो वो लोग भी बोल रहे थे 1,00,000 पार इस बार, तो 40,000 जो वोट जदयू का शुद्ध वोट था ये क्यों नहीं ट्रांसफर हुआ अनंत सिंह की तरफ, मतलब ये जो वोट था या तो ये कहीं ना कहीं भाजपा का वोट था ये भाजपा की तरफ चला गया जी। या नीतीश कुमार ने इस वोट बैंक को डिलीवर नहीं कराया, ललन सिंह ने डिलीवर नहीं कराया, दोनों केस में तेजस्वी यादव के घर में ही भेदी लंका ढाए वाला हाल हुआ है जी। तो ये मोकामा का रिजल्ट है, मोकामा में जो हुआ वो आपने देखा, मैंने समझाने की कोशिश की आपके दर पर। अब गोपालगंज की तरफ हम बढ़ते हैं, गोपालगंज में समीकरण बड़ा साधारण सा रहा, इंदिरा यादव चुनाव लड़ी जो कि मामी है तेजस्वी यादव की, कुसुम देवी लड़ी जो कि पिछली बार जो प्रत्याशी थे उनकी पत्नी है, स्वर्गीय प्रत्याशी जो है थे, मोहन गुप्ता जो है ये लड़े राजद की तरफ से, ये वैश्य समाज से आते हैं, इसके अलावा ओवैसी के विधायक लड़े, ओवैसी के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने 12,000 वोट लाया, जो मोहन गुप्ता है 68,000 वोट लेके आए, कुसुम देवी 70,000 वोट लेके आई और इंदिरा यादव 8,000 वोट लेके आई। इंदिरा यादव के पहले जो 2020 के चुनाव में मामा के पाले में 41,000 वोट आया था और ये घटकर इस बार 8,000 हो गया, 32,000 वोट इनका भाग गया। अब मुझे बताइए 32,000 वोट जब इनके तरफ से भाग ही गया तो तेजस्वी यादव की तरफ ही ना गया होगा, ये वोट तो भाजपा को जाएगा नहीं, उधर जुड़ना चाहिए था, क्योंकि जिस समीकरण की बात है 65,000 मुस्लिम, 50,000 के आसपास यादव, 50,000 के आसपास राजपूत, उसके बाद फिर बैस का वोट, फिर उसके बाद और भी कुर्मी कोरी का 5,000 वोट, फिर भूमिहारों का वोट, ये कहाँ गया, कौन खा गया इस वोट को, समझना पड़ेगा। हम फिर बढ़ते हैं कुसुम देवी की तरफ जो कि जीती हैं यहाँ से और बहुत कम मार्जिन से जीती हैं, तो इनके पास 70,000 के आसपास वोट गया है, पिछली बार इनके पति चुनाव लड़े थे तो 77,000 लेके आए थे, 7,000 इनका भी घटा है, किधर जाना चाहिए इसको, इधर जाना ही चाहिए था निश्चित तौर पर, जो वोट बैंक है वो राजद की तरफ शिफ्ट होना चाहिए था, लेकिन फिर भी राजद के पास 68,000 के आसपास वोट पहुंचा जो कि जीत के लिए सुनिश्चित नहीं था, मतलब 65,000 मुसलमान, 50,000 यादव, 50,000 के आसपास राजपूत, वोट आया कितना, 68,000, इसमें 12,000 मुसलमानों को काट कर लेकर चले गए ओवैसी, तो 65 में 12 बहुत छोटा संख्या है जी। और यादवों की जो संख्या है उसमें अगर आप जोड़ लेते हैं 8,000 अगर इंदिरा यादव का, तो वही बहुत कम छोटा संख्या है जी। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर जीत जो है वो कुसुम देवी की हुई है, उसकी जगह यहाँ मोहन गुप्ता को निकलना चाहिए था आंकड़ों के हिसाब से, लेकिन नहीं निकल पाए, तो क्या 5 कारण थे, 5 कारण जानना होगा ना। देखिए सबसे पहला कारण यही था कि तेजस्वी यादव ने प्रत्याशी तो वैश्य समाज को उतार दिया, लेकिन वैश्य समाज यहाँ का बड़ा संगठित है और बहुत स्मार्ट है,
वो शुरू से ही भाजपा को यहाँ जिताते आया है। तो ये तेजस्वी यादव के खिलाफ गया, क्योंकि जो पिछड़े समाज के लोग हैं वो बार बार यही सवाल पूछते हैं कि अरे हमेशा भूमिहारे को, यादवे को, आप ब्राह्मणे को दे दीजिएगा तो हमारा क्या होगा। और इससे नुकसान होता है, छोटा ही नुकसान हो लेकिन नुकसान होता है इससे। दूसरा, मामा और ओवैसी बड़े फैक्टर रहे। मामा ने भी जो 8,000 वोट काटा, ये इन्हीं कोटे से काटा है। अब इसका जीत हार में अंतर आप देख सकते हैं, जब 2,000 का अंतर है तो मामा नहीं रहता तो 8,000 तो उधर जाता, जीत जाते। फिर ओवैसी का जो 12,000 वोट है, इसमें अगर सोच लीजिए 2,000 कम आता है ओवैसी को तो इधर मामला बढ़ता। मुस्लिम तो भाजपा को वोट नहीं ना करता, ओवैसी स्थिति में यहाँ जीतता और ये जीत की जुड़ता है इनमें। तीसरा जो बड़ा फैक्टर यहाँ पे रहा है कि सिंपैथी वोट कुसुम देवी को मिला है। पिछली बार उनके पति का देहांत हुआ, दिल्ली में इलाजरत थे, उसकी वजह से यहाँ जोड़ घटाव हुआ। और आप जानते हैं कि जो उपचुनाव में ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो जनरली जीत हो जाती है, सिंपैथी के तौर पर हो जाती है। और 2000 जो अंतर आप देख रहे हैं लास्ट में, पूरा प्रयास महागठबंधन ने किया। महागठबंधन कह के मैं शायद गलत कर रहा हूँ, पूरा प्रयास तेजस्वी ने किया, कैंपिंग भी पूरा किया। और लालू यादव का गढ़ होने के बावजूद इस सीट को 2000 वोट से हार गए, लेकिन इतना जरूर है कि तेजस्वी यादव ने मोबिलाइज तो किया, जो अगेंस्ट उनके माहौल बना हुआ था और सभी लोग उनके खिलाफ थे तो उसको मोबिलाइज तो किया, लेकिन एक बड़ा कारण ये भी रहा कि जिसकी वजह से उनकी हार हुई। अंततः सबसे बड़ा कारण, जो पांचवा सबसे बड़ा कारण तेजस्वी यादव के इस सीट पर हारना और मोकामा सीट पर भी वोट बैंक नहीं बढ़ा पाना, वो है नीतीश कुमार। मतलब जदयू के वोट बैंक में कमी आई, जदयू के वोट बैंक में बेतहाशा कमी आई है, जदयू की इच्छा शक्ति में बेतहाशा कमी आई है, जदयू चुनावी राजनीति से भाग रही है, इसीलिए नीतीश कुमार सरकार गिराकर सरकार बना रहे हैं, आज चुनावी राजनीति में नहीं लेके जा रहे हैं। चुनाव के नाम से अब नीतीश कुमार को बिहार में डर लगेगा। केंद्रीय राजनीति में वो अपना हस्तक्षेप करना चाहते हैं तो केवल अपने वोट पर नहीं करना चाहते हैं, वो जानते हैं कि उनके पास लालू यादव का वोट बैंक है, वो जानते हैं उनके पास मुस्लिम यादव समीकरण है, वो जानते हैं उनके पास ओबीसी का एक बड़ा वोट बैंक है जो कि उनके प्रति आकर्षित होगा अगर देश के स्तर के नेता वो बनना चाहेंगे। और उन्हें पता है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजनीतिक समीकरण है विपक्ष के पास, जो अगर इनको नेता मान लें तो इनके साथ हो जाने से वो वोट बैंक इनकी तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन दिस लॉन्ग वे अहेड, मुझे लगता है कि ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण था और इस चुनाव ने यह एहसास करा दिया कि तेजस्वी यादव की पॉपुलैरिटी इस प्रदेश में काफ़ी बढ़ी है। नीतीश कुमार की का ग्राफ लगातार गिर रहा है, भाजपा एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभा सकती है अगर चाहे तो, और वो सत्ता पक्ष पर तेजस्वी यादव पर नकेल कर सकती है, लेकिन भाजपा की इच्छा शक्ति की कमी, तेजस्वी यादव की महत्वाकांक्षाएं जो नीतीश कुमार के समक्ष धराशाही हो जा रही हैं, इन पर आगे चल के हमें विश्लेषण करने की आवश्यकता है। और हमारे विश्लेषण से ज्यादा उन्हें आत्ममंथन करने की आवश्यकता है, उन पार्टियों को, उन नेताओं को जो इस चुनाव में अपने समीकरण के आधार पर उतरे थे लेकिन उनके समीकरण ध्वस्त हो गए जब जमीन पर उतरे। तो कहीं ना कहीं मोकामा और गोपालगंज में 5-5 कारणों को हमने विस्तार से बताया है और आपको बताया है कि इन दोनों जगहों पर आखिर तेजस्वी यादव कहाँ कमी, कहाँ बैकफुट पर चले गए, नीतीश कुमार और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी जो मोकामा में हारी है, जहाँ भाजपा अपने आप को मजबूत कर सकती थी, और गोपालगंज में भाजपा के जीत का मार्जिन घटा है, उसके पीछे की क्या कहानी थी, और खासतौर पर नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के वोट बैंक में जो कमी आ रही है वो तेजस्वी के लिए चिंता का विषय है।